मुथु कृष्णा साहब, आप इस डेवलपमेंट को कैसे देखते हैं? और जब 11 दिनों के बाद संघर्ष विराम हो गया है, सीज फायर हो गया है, तो हर किसी के जहन में यह सवाल आ रहा है, किसको क्या मिला इस जंग से? मेरे ख्याल से ये बहुत अच्छा डेवलपमेंट है जो हम सोच रहे थे कि ऐसा एक डेवलपमेंट हो और ये जो वहाँ की ये जो बमबारी हो रही थी उसको एक 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 रुकाए हमें, और ये बहुत ठीक है कि अब ये हुआ है वहाँ पर, क्योंकि बहुत सारे जाने जा चुके हैं और ये जो टेंशन है, ये जो वहाँ एक 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 ऐसा सिलसिला जारी रहा था, ये ठीक नहीं था। और मैं ये डेवलपमेंट को पहले वेलकम करता हूँ कि ये बहुत वी नीडेड दिस पीस टू हैपन ओवर देयर। तो जैसे आपने कहा कि किसी को कुछ नहीं मिला, लेकिन बहुत सारे जाने जा चुके हैं, बहुत सारे लापरवाह लोग के जान जा रहे थे, हर एक दिन उनका जान नहीं, उनका टोटल घर, उनका वहां पे अस्पताल, वहां के स्कूल्स, यानी सबका सब, मेरे ख्याल से किसी को इसमें से कुछ नहीं मिला। मेरे ख्याल से वी वांट पीस इन दैट रीजन, वहां पीस चालू होना चाहिए, क्योंकि जो फलस्तीन, जो गाजा में जो बमबारी हो रही है, इट कांट अफोर्ड एन वॉर। मेरे ख्याल से परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।